हो सकता है तुमने ना भेजा हो, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब ने या तुम्हारे भाई ने तो भेजा है। सोहेल भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो माँ पारा के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो जो शख्स अपने घर में मौजूद बहनों जैसी लड़की पर गंदी नजर रख सकता है वो कुछ भी कर सकता। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, महापारा ने इल्जाम लगाया था। मिस्टर राय, हमें कोई एक पानी का घूंट पिलाकर जता दे तो हम सारी जिंदगी प्यासे मर जाएंगे, लेकिन दोबारा पानी का घूंट नहीं मांगेंगे। आपका भाई तो बहुत अजीम निकला, जिस लड़की ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया उससे शादी कर रहा और अपना घर भी उसके नाम कर रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि ये सारे सबूत पुलिस को देकर तुम्हारे भाई को अरेस्ट करवा दूं। अब हाँ, एक और बात मिस्टर राय, तुम्हें सच पता चल जाएगा तो मां पारा के सामने अपनी जुबान और अपने भाई दोनों को काबू में रख, वरना जो कार्रवाई मैं तुम दोनों भाइयों के खिलाफ कल करने वाला हूं वो आज कर। You know what, सारा? सब मिलकर सोहेल भाई को बदनाम कर रहे हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी यार। तुम एक दफा फरीद साहब से पूछ क्यों नहीं लेते हो कि वो किसके कहने पर गए थे? It's not possible, सारा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने फरीद साहब को खरीद लिया होगा और वो उन्हीं की जबान बोलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उस शख्स का गिरबान पकड़ूंगा जिसने सोहेल भाई का नाम लिया है। मैं सलार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन माँ पारा से मोहब्बत का दावा तो सोहेल भाई ने किया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी, वो सब सोहेल भाई ने नहीं किया। क्या तुम ये बात जानते हो कि सोहेल भाई ने माँ पारा को पुलिस कस्टडी में मरवाने की धमकी दी थी? वो सब सोहेल भाई ने नफरत में किया और वो हरासमेंट लाइक उन्होंने कोई साजिश नहीं की, बल्कि वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। ये सब झूठ है, सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं सारा। कुछ लोगी कॉफी? एक्सक्यूज मी, एक कॉफी और। आज तुमने अपने ऑफिस के बाहर मुझे वेट करवाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आज तो आप मेरे ऑफिस के बाहर आ गए थे, आइंदा मत आइएगा। क्यों? क्योंकि मैं मना कर रही हूं। अब तो मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं, अब तो तुम मुझे बुला सकती हो। होने वाले हैं, हुए तो नहीं ना। मां पारा, तुमने जो जो शर्त रखी मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली। अब क्या प्रॉब्लम है? कौन सी शर्त? तुमने मुझसे कहा कि अपनी बीवी को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया।
क्या तुम? बीवी तो आपको पसंद ही नहीं थी। अगर पसंद होती तो दूसरी औरतों में दिलचस्पी क्यों लेते आप? आप तो शुक्र करें कि उनसे आपकी जान छुड़वा दी मैंने। तुमने मुझसे कहा कि वो घर मैं तुम्हारे नाम कर दूं, तुम उसी घर में रहोगी। मैंने कर दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए तुम्हें। कौन सा कमाल काम किया है मेरे नाम घर करके, जो एहसान जता रहे। तो तुम्हें वो घर नहीं चाहिए था। आप एक अरबपति आदमी हैं, ऐसा रोज एक घर भी मेरे नाम करे ना, तो आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। और कौन सा आपने सारी दौलत मेरे नाम कर दी है अपनी, जो मोहब्बत की दुहाइयां दे रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? मैंने अपना सब कुछ सुहेल आपकी वजह से खोया। अगर आप वाकई मुझसे मेरी चाहत पूछ रहे हैं ना, तो मेरी चाहत यह है कि आप अपना सब कुछ मेरे नाम कर दें। माँ पारा, कॉफी। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो वही एसएचओ हो ना जिसने मां पारा को। जी। तो फिर क्या इस हाल में? सुहेल साहब की वजह से मैं सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उन्होंने मेरा साथ भी नहीं दिया। साथ नहीं दिया? और आपको क्यों सस्पेंड किया गया सोहेल भाई की वजह से? सोहेल साहब ने उस लड़की को फंसा के गिरफ्तार करवाया काम से। और कहा था कि पुलिस कस्टडी में उसको मार के डरा के धमका के राजी करने। लेकिन किस लिए? आपको तो पता है, सोहेल साहब की शुरू से नजर थी उस पर। इसीलिए उसे मजबूर करने के लिए मीडिया बुलाया। ऐसी दुर्गत की थी हमने उसकी, क्या बताएं। सोहेल साहब को मैंने कहा भी कि सर ज्यादा हो गया, मगर उन्हें ज्यादा भी कम लग रहा था। अरे लड़की तो छूट गई, मुसीबत मुझ पर आ गई, नौकरी नहीं रही मेरी। लेकिन क्यों आपने ये सब क्यों किया? लालच में आ गया। क्या बताएं, दुनिया मकाफाते अमल है,
वहां सुहेल साहब के कहने पे उस लड़की को मजबूर कर रहा था और यहाँ मेरी बीवी घर में लुट गई। आपको आपको ये सब करने को सुहेल भाई ने कहा था ना, या फिर फरीद साहब ने? जी सुहेल साहब ने कहा था। ये फरीद साहब कौन है? और महापारा को जान से मारने का भी सुहेल भाई ने कहा था? जान से मारने का कहता तो वो मर जाती, उसे तो जिंदा लाश बनाने को कहा था। अल्लाह ने उसके नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, उसके ऑफिस वाले आए और अपना केस वापस ले लिया, वरना पता नहीं वो जिंदा भी होती या शर्म से मर चुकी। और सुहेल साहब ने यह भी कहा था कि उस लड़की के सामने थाने में राहत का नाम लेना। इसलिए जब उस दिन आप थाने आए तो मैंने आपका नाम लिया। मैं सबसे लड़ लूंगा, तुम इसे संभालो। अरे मैं समझ चुका हूं, समझ चुका हूं। और ये जो एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, इसको तुम अपने पास रखो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। धमकी दे रहे हो? अरे धमकी नहीं दे रहा, और तुम्हें धमकी की नहीं अक्ल की जरूरत है, जो इससे धोखा मिलने के बाद। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुश्मन को मैं ऐसे ही जाने दूंगा, छोड़ दूंगा उसे? क्या करते आप, अरेस्ट करवाते उन्हें? अरे मैं उसके साथ वो करता ना कि उसकी अगली 7 नस्लें भी याद रखती। सालार अब मैं थक गई, हर किसी को अपने कैरेक्टर की सफाई देते देते। अरे तो किसने कहा है अपनी सफाई दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। आप कब तक और किस किस के सामने मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? अरे वो तो खुद दिन रात उठते बैठते यही कहती है कि कुबरा की बातों में आकर उसने हीरे जैसी लड़की खो दी। वो तो खुद चाहती थी कि तुम्हारे लिए कोई मजबूत किरदार वाली लड़की हो जो कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और तुम्हारे साथ चल सके। अम्मी ने कहाँ देखा उसे? वो टीवी पर देखा था जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। अब्बा इल्जाम था उस पर, मां पारा बेकसूर थी। जानता हूं बेटा, वो इल्जाम तो जिस घर में रहती थी उन लोगों ने उस पर लगाया था। अगर मां पारा ने चोर रास्ता ही इख्तियार करना होता तो वो इतनी मेहनत क्यों करती, पढ़ती लिखती क्यों? वो पहले ही उनकी बात मानकर एक आराम की जिंदगी गुजार सकती थी।
वकील साहब ने उस लड़की को फंसा के गिरफ्तार करवाया था हमसे और कहा था कि पुलिस कस्टडी में उसको मार के डरा के धमका के राजी करना। राजी कर लेकिन किस लिए? आपको तो पता है फरीद साहब की शुरू से नजर थी उसको। इसीलिए उसे मजबूर करने के लिए मीडिया बुलाया। ऐसी दुर्गत की थी हमने उसकी, क्या बताएं। फरीद साहब को मैंने कहा भी कि सर ज्यादा हो गया, मगर उन्हें ज्यादा भी कम लग रहा था। और महापारा को जान से मारने का भी सोहेल भाई ने कहा था? जान से मारने का कहता तो मर जाता, उसे तो जिंदा लाश बनाने को कहा। तो अल्लाह ने उसके नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, उसके ऑफिस वाले आए और अपना केस वापस दे दिया, वरना पता नहीं वो जिंदा भी होती या शर्म से मर चुकी होती। तुम ठीक हो? मैं गाड़ी चला लूं? I'm okay, yeah. Are you sure you're all right? Yeah, मैं चला लूं। I'm sorry. थोड़ा वक्त तो दो, तुम तो बिल्कुल हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो। दादी और कितना वक्त चाहिए आपको? मंगनी के वक्त तो इतना नहीं सोचा था आपने? उस वक्त क्या दादी, उस वक्त आपने कहा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो शादी कर देंगी। अब तो नौकरी लगे भी 2 साल हो गए, अब किस बात पर एतराज है आपको? दादी आप उसे क्या देख रही? मेरी उससे बात हो चुकी है, आप अपना जवाब दें। तुमने अपने माँ बाप से बात की? उनसे क्या बात करूं? उनसे कहो कि मेरे पास आकर तरीके से बात करें, तो फिर मैं सोचूंगी। दादी आप जानती हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा। फिर ये शर्त रखने का मकसद? शर्त नहीं है बेटा, ये मजबूरी है। खानदान वाले क्या कहेंगे कि लड़के के घर वाले शरीक नहीं है और शादी हो गई? दादी कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी बेटा मेरे दिल में अल्लाह का खौफ तो है ना, मैं किसी का पला पलाया बेटा कैसे उनके माँ बाप से दूर कर दूँ? आप जानती हैं दादी मैं पहले ही बहुत दूर हूँ उनसे। तो क्यों दूर हो तुम? जब तुम्हारी माँ तुम्हारी खातिर यहाँ मेरे पास आ सकती है तो तुमने क्यों नाक लगाई हुई? क्या अम्मी यहाँ आई थी? क्यों, कब? हाँ तुम्हारी अम्मी आई थी, तुम्हारी तारीख मांग रही थी शादी की। अच्छा तो फिर आपने क्या कहा? भाई मुझे क्या कहना था, मैंने कहा कि भाई अपने शोहर को लेकर बेटे की रजामंदी से आना। बाजी खाना लगा दिया, आ जाए। चलो आ जाओ।
ठीक थी सारा, लेकिन सुहेल भाई वो ये सब, उन्होंने ये सब प्लान किया था। लेकिन उन्होंने मां पारा के सामने मेरा नाम क्यों लिया? क्योंकि वो जानते थे कि वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती, इसलिए तुम्हारे लिए उसका दिल बुरा करना चाहते थे। नहीं, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती तो मुझे कभी धोखा नहीं देती। शायद उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, ये सब सुहेल भाई का प्लान था, उनकी साजिश थी, क्योंकि उनके दिल में खोट था, उनकी नजर थी मां पारा पर, इसीलिए उसका बैग लेके उसके आगे पीछे घूमते थे ताकि उसका दिल जीत सके। और मां, उन्होंने मुझसे क्यों झूठ बोला? ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन रायत, हाजरा भाभी खुद हमारे घर पर आई थी और उन्होंने हमें बताया था कि मां पारा सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है। हाजरा भाभी का तो नाम ही नहीं था। अगर वो ठीक होती तो आज सब कुछ इतना बुरा नहीं होता। जो भी है रायत, तुम एक दफा उनसे पूछ क्यों नहीं लेते कि हकीकत क्या है? ये मां पारा की मौत का ड्रामा उन्होंने किया था, हो सकता है कि इस मामले के बारे में वो और कुछ जानती हो। कहाँ भी था तुमसे, सो जाओ मैं खा लूंगा। हाँ ऐसे ही ना, जैसे सुबह नाश्ता करके जाते हो, जैसा रख के जाती हूँ जब वापस आती हूँ वैसा ही रखा मिलता है। जिंदा मिलता हूँ ना, क्या मतलब हुआ इसका? यही कि जिंदा रहने के लिए नाश्ता करना जरूरी नहीं होता। लेकिन दवा खाने के लिए तो जरूरी है ना, बस अपने सामने खाना खिला के दवाई खिला के ही जाऊंगी सोने। चलो खाओ। बात सुनो, वो खाला भी से दोबारा बात हुई, लगता है उन्होंने दिल से माफ नहीं किया, वरना वो फोन जरूर करते। कल वापसी पे आते हुए उधर चक्कर लगाऊंगी। मां पारा को देख रही थी ना तो आंखों में ठंड पड़ जाती है। एक बात है, दोबारा शादी का जिक्र मत करना, गुस्से में आके तुम्हें कुछ कहना दे। अब कहती है तो कह दे। जिस लड़की में मेरे सालार की खुशी है ना, उसकी बातें भी सुन लूंगी। नहीं सुनाएगी। सालार, मेरा बच्चा, मेरी जान, ऐसे कोई अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं क्या? जाकर शादी की तारीख ले आए। सच? इस सदके मेरा बच्चा, मेरी जान, इस सदके जाओ। राय, कहाँ जा रहे हो? सोहेल भाई के पास। लेकिन सोहेल तो कमरे में नहीं।
कितना तड़पाया है तुमने। कोई अपने माँ बाप को इस तरह सजा देता है? सजा तो मैं खुद को दे रहा था। और पैसे भेज के क्या समझता था? क्या समझता था हम तेरे पैसों के भूखे हैं क्या? मम्मी, पैसे मैं इसलिए भेजता था कि आप लोगों को मेरी खैरियत पता चलती रहे। और हमारी खैरियत, उसकी फिक्र नहीं थी तुम्हें? उसका मैसेज भी मिल जाता था। खैरियत तुम मैसेज करती थी? तुम करते थे? बैंक, जब पैसे करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जाते थे पता चल जाता था। कितना बदमाश हो गया ये। आपका भाई तो बहुत अजीम निकला। जिस लड़की ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया उससे शादी कर रहा और अपना घर भी उसके नाम कर रहा। वाह, मेरी बात सुनो। मां पारा ने हमारी नाराजगी का फायदा उठाकर उन्हें राजी किया, वरखलाया है उन्हें। तुम्हारा भाई इससे पहले भी इल्जाम लगा चुका है मां पारा को, ताकि वो उसकी बात माने। ये सब झूठ है सुहेल भाई। सोहेल भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो उस पुलिस ऑफिसर से जाके पूछ लो जिसने मां पारा को अरेस्ट किया था। सोहेल साहब ने उस लड़की को फंसा के गिरफ्तार करवाया था और कहा था कि पुलिस कस्टडी में उसको मार के डरा के धमका के राजी करना। राजी कर, लेकिन किस लिए? आपको तो पता है सोहेल साहब की शुरू से नजर थी उसको। किसे मुसीबत है? कौन बार बार कॉल कर रहा है? राइट, तो एक बार सुन लो ताकि डिस्टरबेंस तो खत्म हो। अब मुझ में हिम्मत नहीं आसमा। हिम्मत की क्या बात है महापारा, एक बार कॉल रिसीव करके इतनी सुनाओ कि दूसरी बार कॉल करने की हिम्मत ना करे। नहीं, उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि अब इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अगर गलती से कहीं मिल गया ना, सुनाएगा, लेकिन मैं नजर चुरा कर निकल जाऊंगी, पहचानूंगी भी नहीं इसे। क्या बात है महापारा, क्यों डरी हुई हो? कुछ कहा है उसने? एक बार उसके नाम पर बहुत जलील हो चुकी हूं, दोबारा उसके शहर में आना अफोर्ड नहीं कर सकती। Thank you.
क्या बात है राय, तुम परेशान लग रहे? सोहेल भाई अभी तक नहीं आए और मॉम भी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, फरी की तबीयत ठीक नहीं थी, फोन आया, माँ बेटा वहीं गए होंगे ना। राय क्या हुआ, पुण्य उठा रही ना भाई? बड़ा नखरा है इस लड़की का। वैसे हो क्यों ना, एक तो इतनी बड़ी अफसर लग गई और फिर मेरे अफसर बेटे की मालकिन। ये अफसर की मालकिन कौन बन गई? महापारा और कौन, बड़ा नखरा हो गया इस लड़की का। अभी बोलती तो वो पहले भी कड़वा थी है साला। इसीलिए सोचा है कि कल जाऊंगी मिठाई लेके अपने हाथ से उसे खिला के आऊंगी। भैया आखिर मेरी बहू बनने वाली है, कुछ तो मीठा मीठा बोले। अच्छा है ना। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं, कहाँ थे तुम सारा दिन? परी को देखने गए थे? नहीं डैड, मैं थोड़ा बिजी था। एक्सक्यूज मी डैड। हेलो, आपसे मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए कहा था ना, आपसे एक इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा, किस बात के लॉयर हैं आप? हाँ हाँ, जरा तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन अब बेहतर है। तुम आओगे ना फरी को देखने के लिए तो हाजरा कर फरी का सामान ले आना, जरूरत है उन्हें उसकी। ओके। आ रहे हैं या नहीं? कह रहे सुबह सुबह भेज देगा, मसरूफ भी तो बहुत है ना। ये मसरूफियत भी माँ पारा की मेहरबानी है। हाजरा खुदा के लिए बस कर दो, उस मासूम पर जुल्म करते करते तुमने अपना घर उजाड़ लिया मगर तुम्हें अब तक अकल नहीं आई, प्लीज बस कर दो। आपके मासूम ने सिर्फ मेरा घर नहीं उजाड़ा बल्कि मेरी बेटी से उसके बाप का प्यार भी छीन लिया। कि उस मासूम को देखने के लिए उसके बाप के पास वक्त भी नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है, एक बाप अपनी बेटी को वक्त नहीं दे रहा, इसमें अच्छा क्या है मम्मी जी? जो शख्स अपनी बहन जैसी लड़की के सर पर से चादर खींचते हुए ना झिझके, उस पर बेटी के मामले में कैसे भरोसा करूंगी? सोहेल मापारा को कभी अपनी बहन नहीं मानते थे लेकिन कहता जरूर था, बल्कि कई बार तो उसने अपनी बेटी जैसी कहा था उसे।